नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर के रामगढ़ में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का आगमन हुआ। इस दौरान तियारा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र दत्ता और भाजपा के प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुरेश खामरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर वसुंधरा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे भी लगाए गए। पूर्व सीएम के स्वागत कार्यक्रम के दौरान सुदेश खामरा, अशोक परनामी, अजय शर्मा, अंजू गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। बीकानेर में हो रही शिक्षकों की कमी को देखते हुए पूनरासर के उगाऊ मावी में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सरपंच प्रकाश नाथ समेत ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल गेट के सामने प्रदर्शन किया। इसको लेकर भाजपा नेता जगदीश पारिक ने बताया कि गणित के अध्यापक जय नारायण सोनी दुसारना स्कूल में पदस्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका हम जमकर विरोध करते हैं और विभाग इसे तुरंत निरस्त करे, अन्यथा स्कूल की तालाबंदी की जाएगी। वहीं इस मौके पर विद्यार्थियों ने नारेबाजी करते हुए शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने की बात कही। इस दौरान मालाराम सुथार, मुकेश नाथ, रूपाराम नाई, विद्याधर पारिक, पोकर राम, जगदीश सिद्ध, कोडराम सांची, मालाराम गोदारा और उत्तम नाथ सिद्ध समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने यह प्रदर्शन किया है। तो विद्यार्थियों का शिक्षक को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है जिसके चलते विद्यार्थियों ने यह प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला है। चित्तौड़गढ़ में सीएम गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर के पुराना परिसर में हॉकी ग्राउंड में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। ये प्रदर्शन गैंगरेप से जुड़े इस मामले में एबीवीपी का नाम घसीटने के विरोध में किया गया, जिस दौरान कलेक्ट्री चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बारे में चित्तौड़गढ़ प्रांत के जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रतन वैष्णव ने बताया कि विगत 4.5 वर्षों में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर रही है। इसके चलते बेखौफ होकर असामाजिक तत्व राजनीतिक संरक्षण में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार करने और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से आज महिलाएं और बालिकाएं पूरे प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है, इसी वजह से गहलोत सरकार पुलिस सहित विभिन्न सरकारी मशीनरी का उपयोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रही है। 15 जुलाई को जोधपुर में गैंगरेप की घटना में भी राज्य सरकार घटनाओं को रोकने के बजाय कुछ मीडिया समूहों का सहारा लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन बिना किसी तथ्य और आधार के आरोप के संबंध एबीवीपी के साथ होना बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए डीसीपी अमृता दुहान को बेबुनियाद आरोप के मामले में अपना खंडन प्रकट करना चाहिए। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर यह अवगत कराया है कि जो जोधपुर ओल्ड कैंपस के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना में बिना तथ्यों के निराधार आरोप बीजेपी का नाम लेना यह कहां तक उचित है, और साथ ही जिस प्रकार से पुलिस ने उनको आरोपियों को पकड़ने के बाद में तुरंत प्रभाव से वहाँ की डिप्टी ने जो एबीपी का नाम लिया है, और कल राजस्थान विधानसभा के अंदर विधायक संजय संयम लोटा जी ने जिस प्रकार से एबीपी का नाम लिया है, मैं समझता हूँ
कि ये बड़ा निंदनीय है और साथ ही आने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उस मासूम उस नाबालिग बहन के ऊपर हुए अत्याचार को राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। हम देखेंगे तो पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान की भूमि पर राजस्थान सरकार की नाकामियों के कारण 5700 से भी अधिक बलात्कार के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। रूप नारायण सवरिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रूप नारायण, पुराना परिसर में गैंग रेप का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट चौराहे पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए शालिनी, ये जो मामला है वहाँ पे जो छात्र 3 गिरफ्तार हुए हैं, जो आरोपी थे, वो गिरफ्तारों का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का से बताया जा रहा है उनका कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे और अखिल भारतीय परिषद से जुड़े हुए थे। तो इस चीज को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आक्रामक है कि वो जो है कांग्रेस राजस्थान सरकार है वो इस मामले को डाइवर्ट किए अखिल भारतीय परिषद से जोड़कर जो है उनको आरोपियों को जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताकर कहीं ना कहीं जो है बचने का प्रयास करी। इसी चीज को लेकर जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उसके अग्रिम संगठनों ने जो है यहाँ पे ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम और उसमें ये मांग की है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं पे जो है आरोपियों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कोई लेना देना नहीं, उनका ये मानना है। और इसी चीज को यहाँ पे जो है क्योंकि चुनाव पास में है, चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए कोई भी पार्टी है थोड़ा सा भी यहाँ पे वो बरतना चाह रही, हल्का इसे नहीं ले रही है और इसी चीज को लेकर जो है आक्रामक रूप भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपनाया है। जी शालिनी जी, रूप नारायण आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। जयपुर में राजस्थान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में दर्ज पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर विधानसभा का पत्रकारों ने घेराव किया। इस दौरान पिंक सिटी प्रेस क्लब से सैकड़ों पत्रकारों ने विधानसभा तक रैली का आयोजन किया। IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों की समस्याओं पर सरकार की वादा खिलाफी की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सैकड़ों पत्रकारों पर हुए झूठे मुकदमे और माफियाओं के हमलों से पत्रकार बताने की व्यथित हैं। ऐसे में प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की नितांत आवश्यकता है जिसे गहलोत सरकार को विधानसभा से पास कराना चाहिए, नहीं तो प्रदेश के सभी पत्रकार आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सरकार को हराने की मुहिम में जुटेंगे। वहीं इस रैली से पहले जयपुर विधानसभा के बाहर बैरिकेड्स लगाकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधिकारियों के अनुरोध पर IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर मोइन उल हक समेत कुल 5 लोगों को विधानसभा के अंदर बुलाया गया। हालांकि अंदर सरकार का कोई भी मंत्री पत्रकारों की समस्याओं का ज्ञापन लेने नहीं आया। इसके बाद बाहर आए पत्रकारों से रोष जो है वो उत्पन्न हो गया। रूप नारायण सवरिया हमारे संवाददाता इस खबर पे बने हुए हैं। रूप नारायण, जो ये पत्रकारों की जो मांग है और जिस चीज के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और विरोध प्रदर्शन भी इन्होंने किया, तो अब क्या कुछ इनकी अहम मांगे हैं और सरकार इस पे क्या कुछ आगे कह रही है? देखिए सालोनी, जो पत्रकारों की जो मुख्य मांग है, जिस मांग को लेकर ये पत्रकार यहाँ पे जो है आंदोलन रखता है, वो मांग है कि पत्रकारों की जो है सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून यहाँ पे लागू किया जाए जिसके तहत जो है पत्रकारों को सुरक्षा मिले और पत्रकारों पे जो असामाजिक तत्व अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, उससे पत्रकारों की रक्षा हो सके। क्योंकि पत्रकार एक ऐसी चीज है जो समाज और सरकार दोनों के बीच की कड़ी है और इस कड़ी को जो है मजबूती से अगर रखना है, चौथे स्तंभ को मजबूत रखना है, तो कहीं ना कहीं जो है पत्रकारों को जो है सुरक्षा देनी पड़ेगी। इसी मांग को लेकर पत्रकारों ने जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये मार्च पास्ट करते हुए वहां पे जब पहुंचे विधानसभा में 5 पत्रकारों सहित जो IFW के अध्यक्ष थे उन सहित 5 पत्रकार अंदर गए, तो बड़ी ताजुब की बात हुई कि सरकार से कोई मंत्री उनका ज्ञापन लेने नहीं आया। इस चीज को देखकर जो है पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त और पत्रकारों ने क्लियर कट कहा है कि इस तरीके से अगर सरकार बिहेव करती है पत्रकारों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो है पत्रकारों को सोचना पड़ेगा सरकार के बारे में, आने वाले चुनाव में सरकार को आईना दिखाना ही पड़ेगा, ये पत्रकारों ने कहा। जी रूप नारायण आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे रुक करेंगे।
बीकानेर में बड़ी संख्या में सर्वदल बस्ती की महिलाओं और पुरुषों ने यूआईटी का घेराव किया। इस दौरान होमगार्ड और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। दरअसल पिछले दिनों सर्वदल बस्ती में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर लोगों के जो मन में यूआईटी अधिकारियों के प्रति गुस्सा नजर आ रहा है। निगम नेता प्रतिपक्ष और पार्षद चेतना चौधरी ने कहा कि यूआईटी के अधिकारी कार्यालयों में बैठे हैं, जबकि जनता सड़क पर संघर्ष कर रही है। क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। यूआईटी सेक्रेटरी के खिलाफ प्रदर्शन था। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो पे काम नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी सीट पे मिलते हैं। आम जन परेशान होकर चला जाता है, ना फाइलों पे साइन करते हैं। सरकार ने सीधा आदेश निकाल रखा है कि सभी को पट्टे जारी किए जाए, कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया जाए। ना तो वो कच्ची बस्तियों का सर्वे करवा रहे हैं, ना ही पट्टे जारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो भी यूआईटी के क्षेत्र में जो भी कार्य अधिकार आता है, जो भी क्षेत्र आ रहा है, उसमें ना वो कोई कार्य करवा रहे हैं, ना ही वो सारा काम उन्होंने रुकवा रखा है। इसीलिए उसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के लिए कि इस अधिकारी को कार्रवाई की जाए, जो उचित कार्रवाई है वो। हमारे संवाददाता रूप नारायण हमारे साथ इस खबर पे बने हुए हैं। रूप नारायण, बता दें कि लोगों ने यूआईटी का घेराव किया है और अतिक्रमण की कार्रवाई विकास कार्य को लेकर ये विरोध किया है। महिलाओं और पुरुषों दोनों ने मिलकर इसके लिए विरोध किया है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सालिनी, यहाँ पे जो है राजस्थान सरकार एक तरफ से ये दावा कर रही है कि वो हर घर को पट्टा दे रही है, हर आदमी को पट्टा दे रही है जिसका पुराना घर है, जो 12-13 साल से यहाँ दे रहा है उनको पट्टा दे रही है। और दूसरी तरफ जो है बीकानेर में जो है अधिकारी और कर्मचारी वो अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन गरीबों को तंग कर रहे थे। तो इन चीज को लेकर ये लोगों इन लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया। और विरोध करते हुए जो देखिए आप विरोध में है, महिलाएं सबसे आगे है यहाँ पे, महिलाएं जो विरोध में भाग ले रही, चूंकि महिलाओं को जो जहाँ वो रह रही है, जिन घरों में वो रह रही है, उनसे जुड़ी हुई महिलाओं की ज्यादा रुचि होती है। जो विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, कच्ची बस्ती है, रोड बने हुए नहीं है, लाइटों का कोई पता नहीं है, तो कई चीजें जो है वहाँ होनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। और इन सुविधाओं की मांग करते हुए जो है लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार की जो योजना है उनको ये अधिकारी कर्मचारी ही पलीता लगा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मांगे हैं इनकी। जी देखिए सालिनी, इनकी अहम मांग है कि जो बस्ती है वह उन पर पट्टे दिए जाए, अतिक्रमण जो हटाया गया उसमें भेदभाव किया गया, जो वर्षों से लोग रहे हैं वो अतिक्रमण हटाने के बजाय उनको पट्टे दिए जाए। पट्टे देने के साथ साथ जो है बस्ती में जो है विकास के कार्य किए जाए, रोड बने, पानी की लाइनें डले और लाइटें वगैरह की व्यवस्था हो। ये जो आम सुविधा है वो यहाँ लोग मांग रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों से, और ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे वो। जो उनका हक है, जो प्राथमिक सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं की वो मांग कर रहे हैं। जी रूप नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के पंडितावाली में राजकुमार नामक शख्स ने सल्फास खाकर खुद की जान ले ली। इस दौरान दो बेकसूर बच्चों को भी सल्फास की गोली देकर दरवाजे पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक ने दो गोलियां सल्फास की निगली और बच्चों को एक एक गोली खिला दी। गंभीर हालत में इन तीनों को राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ इन्हें रेफर कर दिया। इस दौरान उपचार में राजकुमार ने दम तोड़ दिया, वहीं दोनों बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मरने से पहले राजकुमार ने लाइव वीडियो बनाकर अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से खुद को परेशान बताया था। वहीं पत्नी उसके साथ ना रहकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। फिलहाल इस मामले में परिजनों की तरफ से पीलीबंगा थाने में किसी तरह की कोई लिखित सूचना तक नहीं दी गई। हालांकि लाइव वीडियो को आधार पर बनाकर पीलीबंगा पुलिस हनुमानगढ़ पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवाया गया। वहीं बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। जयपुर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन घिलौट, नीमराणा और बीकानेर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। वहीं इस मौके पर रीको प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, रीको अधिशासी निदेशक डॉक्टर अरुण गर्ग और रीको के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इन
अग्निशमन वाहनों की तैनाती से औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के आबादी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं का नियंत्रण और रोकथाम किया जा सकेगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि राजस्थान देश में औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य है और राज्य की RIPS 2022 देश की सबसे बेहतरीन इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम है, जिससे राज्य में निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। राज्य की वन स्टॉप शॉप से निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की स्वीकृति अनुमतियां दी जा रही हैं, जिससे निवेशकों को काफी सहूलियत हो रही है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के दौरान किए गए MOU और LOI में से करीब 51% धरातल पर आ गए हैं। चाहे इंडस्ट्रीज एरियाज की कोई समस्या है तो उनको हम वहीं जाकर के सुनते हैं संभाग में, और हमारी ACS, MD, कमिश्नर सबको हम साथ लेकर के जाते हैं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, और उस समस्या का वहीं पर हम समाधान करते हैं। चाहे एरिया की वहाँ रहने वालों की समस्या हो, सड़क की हो, नाली की हो, या फैक्ट्रीज की कोई समस्या हो, वहाँ जैसे हम जहाँ गए कि भाई हमें पावर का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हमने तुरंत प्रभाव से बिजली विभाग से बात करके पावर के ट्रांसफार्मर दिलवा दिए। और जैसे सबकी मांग आई कि हमारे को अग्निशमन जो नई टेक्निकल जो आई है तो वो हमें दिलाई जाए, तो हमने अभी जैसे सभी जगह के लिए कर रखी। पहले हमने जोधपुर एक भेज भी चुके थे, और अब ये नीमराणा, किलोट और बीकानेर। जयपुर में जेके लोन हॉस्पिटल के वार्ड में AC में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 30 से ज्यादा बच्चों को वार्ड से निकालकर दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल के अधीक्षक कैलाश मीणा ने बताया कि प्री फैब्रिकेट वार्ड के AC की डक्ट लाइन से धुआं उठता दिखा, तो वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने तुरंत गार्डों और मरीजों को सूचना दी। वहीं फॉरन वार्ड में भर्ती करीब 20 से ज्यादा बच्चों को शिफ्ट किया गया। इसी तरह इस फैब्रिक वार्ड से लगते एक अन्य वार्ड जिसमें कैंसर पीड़ित बच्चे भर्ती थे, सेफ्टी के लिहाज से उन्हें भी वहां से शिफ्ट किया गया। डॉक्टर मीणा ने कहा, दोनों वार्डों से 30 से ज्यादा बच्चों को शिफ्ट करने के बाद हमारे स्टाफ ने ही फाइटिंग उपकरण की मदद से आग पर काबू पा लिया था। वहीं सभी उपस्थित स्टाफ के सहयोग से आग पर काबू पाकर किसी तरह की अनहोनी से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोधपुर के ओसिया में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां शवों को जला देने से मामला गरमाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों के शव एक झोपड़ी से जले हुए मिले, जिनकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, और इस दौरान ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी मौके के लिए रवाना हुए। चिड़ई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर, हमें पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं, और FSL टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है, और परिवारजन से अभी हमने FIR प्राप्त कर लिया है, और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी चित्तौड़गढ़ में रेत माफियाओं ने होटल पर चाय पी रहे गुर्जर समाज के 4 युवकों को गोली मार कर वो वहां से फरार हो गए। ये घटना सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में घटी, जहां से एक युवक की हालत नाजुक होने के बाद उसे उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चिकित्सालय के बाहर जाम कर दिया। लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन पर मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा, शहर कोतवाल विक्रम सिंह, सदर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
बुगलाल मीना ने बताया कि देर शाम रिठोला चौराहे के पास बजरी को लेकर फायरिंग की घटना हुई, जिसके बाद आक्रोशित गुर्जर समाज के लोगों ने यहां पर सड़क मार्ग भी जाम किया। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अब 25 जुलाई 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकेंगे। इन खेलों के प्रति खिलाड़ियों के रुझान को देखते हुए पंजीयन तिथि की अवधि को बढ़ा दिया गया है। खेल विभाग के शासन सचिव नरेश ठकराल ने बताया कि 5 अगस्त से शुरू होने जा रहे इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए अब तक लगभग 57 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून 2023 थी, लेकिन इन खेलों के शुभारंभ की तिथि में बदलाव करते हुए इसे 10 जुलाई के स्थान पर 5 अगस्त 2023 किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि भी 25 जुलाई 2023 तक बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए rajolympic.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।